हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है, अगर आपका पार्टनर रिलेशनशिप को लेके एकदम भी सीरियस नहीं है तब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्किप मत करना, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो है यार, उससे बात करो सीधा, एकदम स्ट्रेट उससे पूछो कि देखिए मैं बहुत सीरियस हूँ अबाउट दिस रिलेशनशिप, मैं कोई सिक्योरिटी चाहती हूँ, फ्यूचर सिक्योरिटी, कि आप आगे जाके शादी करोगे या नहीं करोगे, कुछ भी है आपके मन में जो है, आपने क्या सोचा है इस रिलेशनशिप का, क्या फ्यूचर है उसको, ये बात उससे करो। लेकिन ये बात तब मत करना जब आपका 3 महीने का रिलेशनशिप है और आप सेटल होने की बात कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये सेटल होने की बात आप तब कर सकते हो जब आपका रिलेशनशिप मिनिमम 1 ईयर का हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको हल्के में ले रहा है या हल्के में ले रही है, तब आप उसको डायरेक्टली ये बात बताओ कि देखिए बहुत दिनों से ये जो हमारे बीच में चल रहा है रिलेशन, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने क्या सोचा है इसका फ्यूचर को लेके, क्या आपका क्या प्लान्स है। तो ऐसे उसके साथ बात करो, इससे आपको पता चल सकता है कि उस इंसान के दिल दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके क्या ख्याल है, ठीक है। और अगर वो आपको इग्नोर करता है, इस सवाल को इग्नोर करता है अगर वो, तो इसका जायज़ सा मतलब यही निकल के आता है कि वो अभी इस रिलेशनशिप को लेके इतना नहीं सोचा है या इतना भी सीरियस नहीं है वो, ठीक है। तब आपको अपना जो ख्याल है अबाउट द रिलेशनशिप वो आपको अपने पार्टनर के सामने रखना चाहिए कि देखिए ऐसे ऐसा बात है, मैं बहुत सीरियस हूँ अबाउट आवर रिलेशनशिप, आगे क्या सोचा है आपने ज़रूर मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे कितने दिन तक चलेगा, हंसी मजाक रिलेशनशिप, ऐसे मतलब मिलना जुलना सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलता जी। एक तो कुछ होगा ना, उसका आउटकम क्या है उसको लेके आप बोलो उसको, ठीक है, इतना तक आप पहले करो, ओके मेरे दोस्त। ये सब बताने के बाद भी अगर आपका पार्टनर आपके बातों को इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, तब सिंपल सा एक ही काम आप कर सकते हो, उस इंसान को ही इग्नोर करो। क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा भी होता है, रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं सिर्फ मज़ा लेने के लिए आते हैं, मतलब जब तक उनको लगेगा कि वो आपसे मज़ा ले सकता है या ले सकती है तब तक मज़ा लेगा वो या मज़ा लेगी, उसके बाद आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी किसी और के साथ। जब भी उसको कोई बेटर ऑप्शन आपसे दिख गया ना, तो वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, ये रियलिटी है। इसको मानने में बहुत प्रॉब्लम होता है हम सबको, लेकिन ये वास्तव है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो ऐसा है, जिनको सिर्फ मज़ा लेने के लिए रिलेशनशिप निभाना आता है, ऐसे लोगों के साथ कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकोगे मेरे दोस्त। ऐसे लोग सिर्फ आपको यूज़ करेंगे, आपका फ़ायदा लेंगे, मज़ा लेंगे, मज़ा ख़त्म, काम ख़त्म, पैसा हजम, रिलेशनशिप का एंड। ये ऐसे लोग हैं। तो अगर आप ऐसे रिलेशन में हो, अगर आपका पार्टनर ऐसा है, तो प्लीज़ अभी से इग्नोर कर दो, पूरा एकदम इग्नोर करो। इग्नोर करना मुश्किल है, आपको उस इंसान के साथ अटैचमेंट है, आपको उस इंसान के आदत है, सब पता है, मुझे सभी चीज़ों का पता है। लेकिन अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया ना इग्नोर करना, वो इंसान एक दिन आपको ऐसे इग्नोर करेगा या ऐसे इग्नोर करेगी ना, तब आप कहीं के नहीं रहोगे मेरे दोस्त। तो इससे अच्छा है आप उस इंसान को अभी से इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिस रिलेशनशिप को आप सीरियसली ले रहे हो ना, उसी रिलेशनशिप को वो इंसान मजाक के तौर पे ले रहे हैं, मजाक है उनके लिए, सिर्फ मज़ा लेने का एक प्रोसेस है उनके लिए। तो ऐसे लोग कभी सीरियस नहीं होते हैं लाइफ में, और
वो अपना भी लाइफ झंड करेगा या करेगी, उसके साथ आपका भी लाइफ झंड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना के ही रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो प्लीज़ अभी से दूरियां बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप का उम्मीद करते हो ना इन लोगों से, वो कभी नहीं कर सकता है ऐसा, क्योंकि ये लोग सिर्फ मज़ा लेने पे है। मतलब मज़ा है तो वाह क्या रिलेशन है, सब कुछ होगा आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में जो जो होता है सब हो रहा है, मिलना जुलना, सेक्स, सब हो रहा है। लेकिन जब भी आप सेटलमेंट की बात करोगे इग्नोर हो जाओगे, तो ऐसे रिलेशनशिप से सिर्फ आपका कटेगा यार और कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसे रिलेशनशिप को ही इग्नोर कर दो, ऐसे पार्टनर को ही इग्नोर कर दो, नहीं तो धोखा मिलेगा आपको, देवदास पारो बन जाओगे आप। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो करना स्टार्ट करो, ठीक है। पहले पहले बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे 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 आप पूरा इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, और ऐसे इग्नोर करते करते एक दिन आप उसको पूरा ही इग्नोर कर दोगे, इस ट्रैप से निकल आओगे आप। अपना जो इमोशन है ना, उसको किसी ऐसे इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करो जहाँ पे उस चीज़ का कदर हो, जहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है, वहाँ पे प्लीज़ अपना इमोशन को मत शो करो यार। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, मैं आप सबसे ये बात रिक्वेस्ट करके बता रही हूँ कि जहाँ पे आपके फीलिंग्स का, इमोशन का कदर नहीं है, वहाँ पे मत दिखाओ अपना फीलिंग्स, ऐसे अपना यूज़ किसी को करने मत दो यार, प्लीज़। एंड में आप सबको यही बताना चाहती हूँ मैं, कि ऐसे पार्टनर को बोलिए कि देखिए भैया या देखिए बहन जी, पहली फुर्सत से निकल जाइए, ये है दरवाज़ा, निकल जाइए। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू मेरा बहुत सारा वक्त को बर्बाद करने के लिए, अब नहीं कर सकते आप, जाइए आप प्लीज़, दरवाज़ा उधर है, जाइए। और अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर प्लीज़ काम करना शुरू करो, ताकि लोग आपके ऊपर फोकस करें, ना कि आपको लोगों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। ये मेरी सजेशन है, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करो यार। ऐसे रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे पार्टनर आपको कभी खुशी नहीं दे सकता है या दे सकती है, सिर्फ आपका जो लाइफ है झंड हो जाएगा। प्लीज़ इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है, इसको लेके सोचिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, अगर आपको देवदास और पारो बनना है तो बेशक ऐसे ही रहो यार। हे गाइज एंड गर्ल्स, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि सारे जो वीडियोस ऐसे हैं उसको देख सको आप, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस जो है मिल सके आपको, और शेयर कर दो वीडियो को ताकि लोगों की मदद हो सके, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और रिलेशनशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज भी कर सकते हो। तो जल्दी जाओ फॉलो करो इंस्टा में।